हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप प्रपंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। चुनाव में ही ड्यूटी लगता है, ड्यूटी से बचाए खातिर अधिकारी मेर मेर के उपाय जात कर थमा। अधिकतर त अपन बिरामी के बहाना बताए के ड्यूटी से बचा थमा, पर अब यह एक कर्मचारी के खैर नहीं आए। काहे से कि अब जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनोज पुष्प सौहे कह दीन हवे कि ऐसा कर्मचारी का बीआरएस दे दीन चाहिए। ऐसा अधिकारी कर्मचारी जे के 20 साल के नौकरी पूर कर चुके हमा और बिरामी के बहाना बताई ही उन्हों का घलाई आदेश दीन चाहिए। आई सुनी अपन कलेक्टर मनोज पुष्प का कह रहे हैं। हम छोटे छोटे बैचेस पे ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसीलिए टीआरएस कॉलेज में और लॉ कॉलेज के डिफरेंट जो क्लासरूम्स हैं उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो नियम निर्देश प्रक्रिया है उसके बारे में तो उनको हम बता ही रहे हैं, साथ में हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि संभावित है कि आपके चुनाव के दिन या चुनाव के पूर्व थोड़ी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मानसून जून में धीरे धीरे एक्टिव होता चला जाता है। तो रूट में अगर कोई इशू हो, मतदान केंद्र में कोई इशू हो, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कृत संकल्पित है। सभी विभाग के लोगों को भी हमने बता दिया है। रीमा के जवा जनपद में ही ऑपरेटर और बड़ाज पंचायत के रोजगार सहायक के घूस ले के मामला सौहे आबा है। एकर वीडियो घलाय सोशल मीडिया में ही वायरल हो रहा है। अब देखे कैया हुई कि जिला कलेक्टर घूस ले वाले कर्मचारियों के ऊपर का कार्रवाई करा था, ये बड़ा सवाल आए। अगले महीना हुआ हो तो आज ही टोकन अगले महीना तक बस इतना है। कोनो बाल नहीं है, कोनो खेत तो है ना, बेचन तो है ना, प्रेम का सौदा है या नहीं है। रीमा जिला में ही युवा कांग्रेस मऊगंज के सिविल अस्पताल में ही रक्तदान शिविर के आयोजन करी नहीं बे। अपने बताए दे के काल पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के 50वां जन्मदिन रहा है, जौने अवसर में ही रक्तदान शिविर के आयोजन कर के सुखेंद्र सिंह बन्ना के जन्मदिन मनावागा। कहेंगे आप आज आदरणीय पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के जन्मदिन पर हमारी मऊगंज के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी के निर्देशन में और बड़े भाई अरविंद सिंह जी द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि जो नेता पूरे जिले और मध्य प्रदेश में गरीबों और जनता बेसहारों की मदद करते हैं, रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य के युवाओं के नेता, हम सबके संरक्षक मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का जन्मदिवस है। जैसा कि पूरा क्षेत्र, पूरा जिला और यहाँ तक कि पूरा प्रदेश ये जानता है कि जब क्षेत्र की जनता या जिले की जनता को ज़रूरत पड़ती है तो श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हर मुद्दे पर, हर मौके पर उपस्थित रहते हैं। खबर सतना से है, जहाँ जेवर खरीदे के बहाना से दुई ठे महिला 18 लाख रुपया के सोना के गहना पार कर दी। अपना बताई दी कि शहर के बाजार में ही एक सोनार के दुकान से लाखन रुपया के जेवर चोरी हुई गए। वहीं सलगी चोरी के सीसीटीवी फुटेज घलाए सौहे आवा है, जोने में ही महिला कर्मचारी का अपने बातन में फंसाए के धीरे धीरे सोने के जेवरन से भरा बक्सा पार कर दिला। हम लंबे छह छोटे हाथ और छह टॉप्स एक डब्बे में रखे हुए थे प्लास्टिक के और वो उसको लेके चले गए। क्या बजे की वारदात है ये? 12:09 मिनट। कितने का लमसम? लगभग 18 लाख। कितनी लेडीज थी? दो। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां के सिविल लाइन थाना पुलिस शुक्रवार का ही अलग अलग चोरी के घटना में ही दुई ठे आरोपी का बजरहा टोला से गिरफ्तार कर ली नहीं भाई। अपना को बता दें कि बिक्की बंसकार और करण बंसकार 15-16 अप्रैल के रात में ही पतेरी के रहने वाले मृगेंद्र सिंह के घरे के ताला तोड़ के सोने चांदी के गहना और नगद पार कर दिए रहे। एक अलावा वो कई ठे चोरी के वारदातन का अंजाम दे कबूल करी नहीं भाई। वह पुलिस आरोपी का ही हिरासत में ले ली नहीं भाई और न्यायालय में पेश करी। देखिए, हमारे सिविल लाइन सदना थाना क्षेत्र के क्षेत्र में बगहा और पतेरी क्षेत्र में कुछ बड़ी चोरियां हुई थी पीछे मार्च अप्रैल के महीने में, और जो बड़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें टीम बना के, जिसमें थाना प्रभारी सिविल लाइन अर्चना द्विवेदी जी के नेतृत्व में टीम बनी थी, और इसमें अभी हमने पकड़ा है विकास उर्फ बिक्की उर्फ अजगर उर्फ जुर्राट,
ये बेसिकली रहने वाला तो यहीं हवाई पट्टी अपने सपना का, परंतु अब वर्तमान में इलाहाबाद में रह रहा है। वो अपने गैंग के साथ यहाँ आता था और बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देता था। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली जिला से है, जहां पहल लड़की विंध्यनगर में ही इन्वेस्टर मीटिंग के आयोजन की गई, जो ने माई कई अठे लघु और मध्यम उद्यमी आय के उद्योग स्थापित करे के बात कही नहीं भय, जिससे सिंगरौली के विकास का ही गति मिल सकी। आई सुनाई सलगे मामले में ही कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का जानकारी दे रहे हैं। जो आज की जो इन्वेस्टर्स मीट है, इसके लिए काफ़ी दिनों से जो प्लानिंग चल रही थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम सिंगरौली जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो वृहद स्तर के संयंत्र हमारे स्थापित हैं, और दूसरे सेगमेंट की अगर बात करें तो MSME में बहुत कम हमारी जो यूनिट्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है हमें उसको ब्रिज करना, जिससे कि जो यहाँ की जो लोकल यूथ है और जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर सब हैं, वो अपने MSME जो हमारे उद्योग होते हैं उनको स्थापित कर सकें, और उनके लिए जो मध्य प्रदेश में जो पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उनके बारे में इसके माध्यम से जानकारी देना। रीमा जिला में ही बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में माढ़ाव के लगे डिहिया गाँव में एक कुआं में ही भालू गिर गया। कुआं माही भालू गिरे के खबर लगता है भीड़ जुहाए गए, ग्रामीण एकर सूचना पुलिस का दिन, जेके बाद वन विभाग के अधिकारी पहुंच के 3 घंटा के कड़ी मशक्कत के बाद भालू का बहरे काढ़ी नहीं भय और मुकुंदपुर के टाइगर सफारी में पठाई दिन। तो बांध बांध उसी बांध 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 टाइम नहीं है अपने पास, बांध जल्दी, 10 मिनट हो गए हैं, जल्दी ब्लॉक करो उसको। मैं तो बाहर निकल रहा हूं उसे इकट्ठा करके फिर कीजिए, मेरे देश में से गिर गया ये वाला भाव, डुबा जाए अब, डुबा जाए ये वाला, उठा ले ये वाले के दाव कर दाव कर दाव कर। सुबह हमें सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम से कि यहाँ पर हमारे गांव में भालू गिर गया है, उस सूचना के तारतम में तत्काल हमारे जो बैकुंठपुर के PI साहब, उन्होंने हमें सूचना दी, उस सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम यहाँ पर आई, साथ ही बैकुंठपुर के जो डॉक्टर साहब हैं उसकी टीम, दीवा की रेस्क्यू टीम सभी यहाँ पर आए और उन्होंने इसका भालू का सफल रेस्क्यू कर लिया है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ना तो पब्लिक से कोई घायल हुआ है, ना ही वन्य प्राणी घायल। रीमा माही चुनाव के खातिर प्रशिक्षण के शाला के आयोजन TRS कॉलेज में कीन गहबे, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प कार्यशाला के भ्रमण करीन और कर्मचारी खातिर दिशा निर्देश दी निभे। पत्रकारन से चर्चा कही के कलेक्टर कहीन कि यह चुनाव बरसात के सीजन में हो रहा है, जो के चलते कौनो मेर से मतदान शांतिपूर्ण तरीका से करावे खातिर कर्मचारी का निर्देश दिन गा है। एक साथ है अगर मतदान केंद्र में ही पहुंचे में कौनो मेर से समस्या होती है, तो के खातिर कर्मचारी अधिकारी का तैयार किए जा रहा है। लेकिन ये मन बना के आपको चलना है कि भरी बरसात में आपको चुनाव कराना, तो उसके हिसाब से अपना रेनको, अपने वैसे जूते, अपना छाता, इस तरह की चीज भी आप निकाल के उसमें संभाल के रख लेंगे, उसकी जरूरत है पड़ सकती है। इस बार काउंटिंग वही कराए, और दूसरा अंतर यह है कि हो सकता है कि बारिश हो रही, तो आपको सामग्री लेने में, सामग्री लेके पहुंचने में और वहां चुनाव कराने में। रीमा के लक्ष्मण बाग के खुला मैदान में ही 25 मई से लेके 2 जून तक जेठ कृष्ण पक्ष तिथि के 10वीं तक खातिर पंच अग्नि साधना कार्यक्रम के आयोजन की जाला है। अपना का बताए दी कि यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक आयोजित की जाये, जहां काफी संख्या में ही भक्त पहुंचा लाहमा। ये वजह कुछ नहीं, वजह मानव कल्याण है, विश्व कल्याण के लिए हम बैठे हुए पंचाग्नि में, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, ये समझिए परमार्थ जन कल्याण हो तो हम विश्व कल्याण के लिए पंचाग्नि साधना में बैठे हुए हैं। किस तरह का कल्याण चाहते हैं? विश्व में हर प्रकार का शांति हो, महामारी कोरोना जैसे रोग उत्पन्न ना हो, जिससे हमारे देशवासियों के समस्त विश्व में जीव जंतु सबका रक्षा हो। ये कितने कहा कि आप ये करिए तो कल्याण हो जाएगा? ये हमारे गुरु के मार्गदर्शन से होता है। कौन से गुरु हैं? हमारे गुरु हैं श्री धर्मराज शर्मा जी, UP से। हम
यह सब प्रेरणा मिलती है, उनके आदेश से हम बैठते हैं। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।